और पूर्णिया के रुपौली विधानसभा में 10 जुलाई को उपचुनाव होना है और यह उपचुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का समर्थन भी अब बीमा भारती को मिल रहा है। ऐसे में इस वक्त पूर्णिया ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ मौजूद है बीमा भारती। आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। बिल्कुल रश्मि, हमारे साथ में जो है रुपौली उपचुनाव के विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। हमारे साथ में जो है आरजेडी और महागठबंधन से प्रत्याशी बीमा भारती जी हैं हमारे साथ में। हम जानते हैं कि अब जो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने भी इनका समर्थन कर दिया है। तो अब जो परिवेश है यहाँ का, चुनाव का माहौल है, वो किस ओर गया, बीमा भारती से हम जानने का प्रयास करते हैं। मैडम नमस्कार, आपका बहुत बहुत, आपको भी बहुत बहुत नाम, क्या धन्यवाद जी ने आप उनसे मुलाकात की, अब आपको समर्थन मिल गया है, तो अब क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल बन रहा है? बहुत अच्छा है, पहले से भी अच्छा था। और हमारे आदरणीय जो पप्पू यादव है, जो हमारे एमपी साहब, उन्होंने भी समर्थन किया है। उनका भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उन्होंने सभी, अभी देख रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता को उन्होंने भेजा है और सभी जगह बैठक भी हो रहा है, सब लोग घूम रहे हैं। तो आप अभी जो आप क्षेत्र में जा रही हैं, तो किस तरह का मांग है, क्योंकि आप पहले जेडीयू से उम्मीदवार हुआ करती थी और आपके इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुआ है, तो अब क्या परिवर्तन देख रही हैं, जो लोगों के बीच जा रही हैं, तो लोगों से मिल रही हैं, तो उनका क्या कहना होता है? बहुत अच्छा है। और पहले के जो लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें जब हारे, तो लोग को लगा कि रुपौली में जो लीड हुआ जदयू का, तो मेरा ही वोट उसमें गया, क्योंकि कम समय मिला था और कम समय में जो जितना हम लोग के बीच जाते उतना नहीं जा पाए। और लोग को पता था कि बीमा भारती का तीर छाप है, तो लोग ने पूरा तीर में वोट दे दिया बीमा भारती कह करके, लेकिन उसको वोट नहीं मिला, मेरा ही वोट उसमें गया, गलत फहमी में चला गया। इस बार जो है कि हमारा जो दौरा है पूरा घरे घर जा करके आप सभी को समझा रहे कि मेरा छाप जो है अब लालटेन छाप हो गया है। आपके भी चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे कि सभी जनता रुपौली का जान चुकी है, और आपके चैनल से भी कहना चाहती हूँ कि मेरा छाप जो है लालटेन छाप है, जो कि क्रमांक संख्या 2 पर है, तो सब लोग लालटेन छाप पर वोट देंगे। एक चीज है कि जदयू का जो पूरा कुनबा है वो यहाँ पे अभी विराजमान है, पूरे मंत्री से लेकर सरकार तक है, सभी लोग जा रहे हैं कि बीमा को किसी तरह नहीं पहुँचने देना है। देखिए पूरा वो जो है ना, पूरा सरकार यहाँ उठ के आ जाएगा, तब भी वो जो है ना यहाँ से जीतने नहीं जा रहा है। वो तो एक जो है ना मोहरा बना दिया है, एक डेमी कैंडिडेट बना करके जदयू के उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। इसीलिए जो है कि उसका जो मकसद है, जो राजनीति उन्होंने कर रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय जो मंत्री है, जो नेता है, कि बीमा भारती को आपस में लड़ाएंगे, एक गंगोता जाति से है, 2 उम्मीदवार देने का काम किया है। लेकिन यहाँ जो है हम लगातार 2020 से यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं, जनता का स्नेह प्यार मिलते आ रहा है और इस बार भी मिलेगा, और आपको देखने के लिए मिलेगा। इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आपके पति पर भी वारंट निकला हुआ है, बेटे पर भी निकला हुआ है, पुलिस खोज रही है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए जो जिस तरह से फंसाया है और जिस दिन हत्या हुआ था उस दिन यही आवास पर थे हमारा पति, और हम बेटा के लेकर के उस घर पर थे, और यहाँ पर ज़्यादा हमारा जो प्रमुख साहब है वो यहाँ रहते हैं, मेरा पति, और हम गाँव में रहते हैं। तो जैसा ही सुना कि हत्या हुआ, तो जो जिस अवस्था में थे वही मैं दौड़ के गए वहाँ, जाने के बाद बाजार बंद किए, सरकार के खिलाफ में बोले, इसके लिए जो उसको केस में फंसाया गया। वो क्या, चुनाव का जब घोषणा हुआ, 2 तारीख का घटना होता है, चुनाव का घोषणा होने के बाद तब जो है कि सबको लगा कि नहीं, इसका बच्चा को, इसका पति को जिस तरह से लोकसभा में फंसा करके जेल भेजने का काम किया, वही साजिश इस बार भी उस लोग जो है कि साजिश किया है। तो लोग रुपौली का जनता सब समझ चुकी है, हमारा बेटा 18 साल का है, वह इतना हो गया है कि 5 लाख लेकर के सुपारी लेकर किसी का हत्या करेगा। हम 2020 से विधायक है, रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर पूरे विधानसभा में कोई व्यवसायी का हत्या हुआ। आज जो है जब से जो निर्दलीय प्रत्याशी है शंकर सिंह, जब से यहाँ से बरोकरी करना शुरू किया है, तब से भवानीपुर में आज पहला बार इतना दिन से 2020 से लगातार अभी उनको जब एंट्री हुआ है तब हत्या हुआ है। इस पर क्यों ना जांच करती है पुलिस? क्या बीमा भारती इतना आतंकवादी हो गया है मेरा परिवार? क्या उस सरकार से हटने के बाद जो है आतंकवादी हो गए हम?
तो हम तो सरकार से भी मांग करते हैं कि सीबीआई का जांच होना चाहिए। जब मेरा पति दोषी होगा, मेरा बच्चा दोषी होगा, तो उस पर भी होगा, कानून कार्रवाई होगा, सजा होगा। पप्पू यादव आएंगे आपके चुनाव प्रचार में? बिल्कुल आएंगे, अभिभावक है और जो है कि आश्वासन भी दिया है और पूरा साथ रहेंगे। वो चुनाव कैंप में लोगों को आज वीडियो संदेश के माध्यम से भी संबोधित किए हैं, तो क्या लगता है कि अब चुनाव में क्या किससे टक्कर मान रही है? किसी से टक्कर नहीं है, मेरा विधानसभा है, हर समय यहाँ का जनता ने प्यार दिया है, काम किए हैं और सब दिन जनता के बीच रहे हैं। और हर समय जो हमारा पति है यहाँ पर, हर समय जनता दरबार लगाते हैं, काम करते हैं, सभी का सुनते भी हैं, इसलिए जनता तैयार है। लोग समझ चुकी है कि बीमा भारती को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, जानबूझ के केस में जो है कि फंसाया जा रहा है। जो जिसका मर्डर हुआ है उसका मृतक का परिवार जो है वो खुद कहा है कि हम लोग का जो पारिवारिक संबंध है, क्यों मर्डर करेंगे, क्यों हत्या करेंगे। वो सबको झूठ मूठ का राजनीति का मोड़ दे दिया है, केस को उलझाना उलझा करके केस को रखना चाह रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इस पर जो है कि जांच होनी चाहिए। अच्छा, तेजस्वी जी आएंगे चुनाव प्रचार में यहाँ पे आपके लिए? बिल्कुल आएंगे, हमारे भाई हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जरूर आएंगे। हम बात भी किए हैं और हमारे नेता जो यहाँ पर लोकसभा में भी आए थे और विधानसभा में भी आएंगे। अच्छा, लोगों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा, विकास तो हुआ है लेकिन भीमा जी पार्टी बदल ली है, तो इसे क्या कहेंगे? पार्टी बदल, बीमा भारती वही है, छाप बदल गया है, बीमा भारती का चेहरा वही है, लोग जो है बीमा भारती को जानते हैं। इस बार जो है ना आपको देखने के लिए मिलेगा 13 तारीख को रुपोली का रिजल्ट, पूरा सरकार यहाँ पर बैठ जाएगा तब भी कुछ नहीं होने वाला है। जनता को क्या संदेश? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से आपका लगातार हम सेवा करते आ रहे हैं और जिस तरह से हमको परेशान किया जा रहा है, एक अति पिछड़ा के बेटी के जो हम अति पिछड़ा साते हैं, तो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बीमा भारती कभी डरी नहीं है, ना डरेंगे, जनता का बीच जाएंगे, जनता का अदालत में जाने का काम कर रहे हैं, लगातार जनता का सेवा करते आ रहे हैं, इसलिए डट के जो है मुकाबला करेंगे। वो जो कह रहा है ना, वो जो मन में पाल के रखे हुए है कि इसका पति इसका बच्चा बाहर है तो ये कमजोर पड़ जाएगी, नहीं कमजोर कभी नहीं पड़े हैं, नहीं पड़ेंगे। सरकार में भी थे जो हमारे खिलाफ में थे, उसका आवाज उठाएं और उठाते रहेंगे। देखिए, ये थे रश्मि बीमा भारती, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जनता की अदालत में जाएंगे, जनता हमारा फैसला करेगा, कोई चाह लेगा भी तो हमको फंसा नहीं सकता, जनता का प्यार हमारे साथ में। और 13 जुलाई को जब जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और ये जनता जो है हमें विधानसभा फिर से पहुंचाएगी और जनता के लिए ही हमेशा लगातार बीमा जो है वो खड़ी रहेंगी। अब देखने वाली बात है कि जब 10 तारीख को यहाँ मतदान होगा तो जनता किसके सर पे। बिल्कुल प्रफुल, ये सवाल भी बीमा भारती से कीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के सामने वो खड़ी थी और अब पप्पू यादव का समर्थन उन्हें मिल रहा है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए, बीमा भारती के लिए? बिल्कुल, देखिए वहाँ सवाल है एक कि पप्पू यादव के अगेंस्ट में लोकसभा चुनाव में आप खड़ी थी और अब आपके समर्थन में पप्पू यादव, तो ये कितना महत्वपूर्ण माना जाता है आपके लिए? देखिए, इलेक्शन जो है ना, बाप बेटा भी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ना और जो है कि ऐसा नहीं है कि दुश्मनी है और फलना, सब लोग राजनीति करते हैं। हमको भी पार्टी से टिकट मिला, हम भी लड़े, वो भी निर्दलीय लड़े, चुनाव हुआ, सब लोग सब आपस में सब लोग एक हैं और एक रहेंगे। हमारा जो आदरणीय पप्पू यादव जी हैं हमारे एमपी, वो भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, दिल से उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ, वो दुख के घड़ी में उन्होंने साथ दे रहा, उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। बीमा भारती ने स्पष्ट तौर पर रश्मि कहा है कि जो पप्पू यादव हैं वो हमारे गार्जियन हैं, जब टिकट मिला सभी लोगों को मिलता है, बाप बेटे को भी टिकट मिलता है, तो आमने सामने चुनाव जरूर लड़ते हैं, लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया, उनका प्यार और स्नेह जो है वो हमारे साथ में है और हम जरूर इसमें कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रफुल आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव से आरजेडी की प्रत्याशी हैं बीमा भारती, जिनसे खास बातचीत की हमारे पूर्णिया ब्यूरो चीफ प्रफुल झा ने। और यहां वक्त एक छोटा सा ब्रेक का हो चला है, आप देखते रहिए कशिश न्यूज़।